कड़ा मणिपुर का सूबेदार नियुक्त किया था जुनेद बरलात को। शेर खां जुनेद बरलात के यहाँ नौकरी करता था, लेकिन 2 साल बाद यहाँ से वापिस मुगलों की सेवा से हट गया और 2 साल तक मुगलों की सारी व्यवस्था को गौर से देख लिया। इधर बहा खान लोहानी की मृत्यु के बाद शासक बन गया दलाल खान, जो कि अल्पवयस्क था, इसलिए इसकी संरक्षिका बनाया इसकी माता को और इसका सहायक बना शेर खां को। सहायक बनने के बाद इसने बंगाल के नुसरत शाह को प्रभावित किया। सुनार का शासक था ताज खान सरवानी, जो अपनी सबसे छोटी बेगम से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इस वजह से आंतरिक कलह बना हुआ था। ताज खान सरवानी की हत्या कर दी इसके बड़े पुत्र ने और इस बात पर लॉर्ड मलिका ने शेर खां को इन्वाइट किया था सुनार में और दोनों ने विवाह